मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। काउंसलिंग छोड़े हुए 2 महीने हो गए हैं, और 2 महीने तक जिंदगी कैसी रही, जिंदगी में कितना आनंद रहा, कितनी खुशी रही, उसे आज जानते हैं एक सक्सेस स्टोरी से। जिनको 5 साल की ओसीडी थी, अब वो बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं, और साथ में 2 महीने भी काउंसलिंग को बंद हुए हो चुके हैं। हम उनका अनुभव जानें। इससे पहले एक खुशखबरी, दिसंबर महीने में 16 से 22 दिसंबर को ऑफलाइन वर्कशॉप ओसीडी के इलाज का सिरसा हरियाणा में किया जा रहा है, और ये वर्कशॉप भगवत गीता थेरेपी पर आधारित रहेगा। तो आप ये पहला और अंतिम अवसर चूक मत जाइएगा। अब जानते हैं सक्सेस स्टोरी का अनुभव। जी आपका स्वागत है। जी जी वेलकम। हाँ सर बोलिए। जी तो आपको काउंसलिंग छोड़े हुए कितना समय बीत चुका है? हाँ सर मुझे काउंसलिंग छोड़े हुए 2 महीने हो चुके हैं। जी तो आप सभी व्यूअर को ये बताइए कि आपके 2 महीने कैसे बीते, क्या क्या किया, कैसा रहा, कितनी खुशी रही, कितना गम रहा, सब कुछ बताइए। हाँ सर मैं व्यूअर को ये बताना चाहती हूँ कि 2 महीने बाद जब मैंने काउंसलिंग छोड़ी थी तो मुझे ओसीडी का थोड़ा थोड़ा इफेक्ट पड़ता था, विचार तंग करते थे, लेकिन मैं उन पर ध्यान नहीं देती थी। लेकिन फिर बीच में क्या हुआ, अपने आप मेरे माइंड में जो है ओसीडी के पैटर्न जो है ठीक होने लगे। उस तरीके से मुझे अपने आप जो कंटामिनेशन जो मेरी ओसीडी थी वो अपने आप जो है दूर होने लगी। अपने आप मुझे ये फील होने लगा नहीं यहाँ कुछ गंदगी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, हम नहा भी सकते हैं, बाहर भी जा सकते हैं और कोई चीज़ को टच भी कर सकते हैं। तो मुझे जो है इस चीज़ से छुटकारा मिल गया और अब 2 महीने बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे इस चीज़ से कोई दिक्कत भी नहीं हो रही है। जी तो पहले नहाने में साफ सफाई में कितना समय लगता था और कैसे आप साफ सफाइयां करती थी वो भी बताइए। हाँ मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं तो पहले नहाने की वजह से मैं तो बहुत परेशान रहा करती थी। मैं ये सोचती थी घर से बाहर जाऊंगी तो घर बाहर से आते ही जो है मुझे सबसे पहले नहाना है, मुझे गंदगी उड़ के लग जाएगी, मेरा जहाँ करते हुए पैर पड़ गया है, मैं वो पैर धो लूँ, अपने हाथों को धो लूँ। तो मैं कम से कम आधा घंटा लगाती थी नहाने में, बस यही काम मैं 5 साल से कर रही थी। लेकिन जैसे ही सर ने मुझे समझाया कि नहीं गंदगी तो कुछ भी नहीं होती है, ये तो हमारे दिमाग का वहम है, इस तरह से फिर मैंने उनको सर की बातों को समझा, उनको धीरे धीरे नोटिस करा। फिर अब जब मैं नहाती हूँ तो मुझे सिर्फ 15 मिनट लगते हैं, आधे घंटे से मुझे नहाने से कोई मतलब नहीं है। जी और हाथ पहले कैसे धोते थे और अब कैसे धोते हो? पहले तो मैं बार बार हाथ धोती थी, कहीं मेरा हाथ टच हो गया टॉयलेट वगैरह में, बाथरूम वगैरह में, कहीं मैं ट्रेन में सफर कर रही हूँ तो ट्रेन की सीटों पर मेरा हाथ टच हो गया तो मैं बार बार पहले उसको हैंड वॉश करती थी, फिर जाकर मैं खाना खाती थी। जहाँ पर गंदगी होती थी पहले तो मैं बैठती नहीं थी, वहाँ से दूर भागती थी, मुझे एंजाइटी बहुत तेज होती थी। लेकिन अब गंदगी पड़ी रहती है, मुझे कोई असर नहीं पड़ता। मुझे लगता है इसमें कोई गंदगी है ही नहीं है तो लगेगी कहाँ से, मुझे कोई असर नहीं पड़ता। मैं तो जहाँ बैठी रहती हूँ वहीं आराम से बैठी रहती हूँ, जहाँ खड़ी हूँ तो खड़ी हूँ। अब मुझे लगता है बाहर भी घूमो, यहाँ भी जाओ, वहाँ भी जाओ, कहीं भी बैठ जाओ, कोई गंदगी नहीं है, ना हमें मोड़ के लगेगी ना कुछ होएगा, हम तो जैसे थे वैसे ही हैं, गंदगी भी जैसी थी वैसी ही रहेगी। ये तो हमारे माइंड का जो है वहम होता है, जो हमें लगता है कि हाँ हमें चीज़ गंदगी उड़ के लग गई है या हम गंदे हो जाएंगे, बस ये चीज़ है और कुछ भी नहीं है। जी तो बहुत से लोग काउंसलिंग लेते हैं, बहुत से बीच में भी छोड़ते हैं, कुछ लोग ठीक भी होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो दूसरों से इलाज लेते हैं। लेकिन एक विचार सबके मन में आता है कि एक बार अगर हम ठीक हो गए तो कहीं दोबारा बीमार ना हो जाएं, क्या दोबारा ओसीडी तो नहीं हो जाएगी, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगी? नहीं इस विषय में मैं ये कहना चाहती हूँ अगर दोबारा ओसीडी पहले तो हमें होएगी नहीं, अगर हमने सर की बातों को अच्छे से समझ लिया, जान लिया, उनको फॉलो कर लिया तो हमें ओसीडी पहली बात तो होगी नहीं। अगर ओसीडी हमें परेशान भी करती है तो हम छोटे मोटे जो है बातों पर सबसे कांटेक्ट कर सकते हैं, फिर से पूछ सकते हैं, और अगर ज़्यादा ही तंग करती है तो हम उस पर गौर ना करें, उस पर ध्यान ना दें, हमें एंजाइटी होगी लेकिन कुछ समय के लिए होगी, लेकिन फिर हम अपने आप ठीक हो जाएंगे। ओसीडी एक बार होती है फिर तो होती नहीं है, अगर होती भी है तो हम उस चीज़ पर
उनके व्यू पर, विचारों पर हमें गौर नहीं करना चाहिए। जी जी तो आपको काउंसलिंग में ऐसा क्या अद्भुत सीखने को मिला जिससे जिसे सीख करके आप हमेशा सही भी रहे और गंदगी वाले ख्याल आए तो उनसे आप निपट भी पाए, तो ऐसा क्या रहा? मुझे सीखने को ये मिला कि पहले मैं वो सीढ़ी से परेशान रहती थी, मैं ये सोचा करती थी कि जो कंटामिनेशन, वो सीढ़ी जिससे हम दूर भागते हैं, आखिर ये एक बीमारी है और क्या है। फिर मैंने एक दिन नेट पे सर्च करा, मैंने देखा कि जैसे बार बार हाथ धोना है, गंदगी से दूर भागना है, साफ सफाई करना है, इसका कोई इलाज है कि नहीं। तो मैंने नेट पर देखा तो मुझे सर का वीडियो दिखाई दिया, उसमें सर बोल रहे थे बार बार हाथ धोना या चेकिंग करना। फिर मैंने उस वीडियो को पूरा देखा तो मुझे समझ में आया, हाँ भाई ये तो ओसीडी नाम की एक बीमारी भी होती है। फिर मैंने सर के और भी वीडियो देखे तो सर ने उसमें ये बता रखा है कि कंटामिनेशन ओसीडी से कैसे छुटकारा पाया जाए। सर ने उसमें जो है अपने मतलब कि दिखा भी रखा है वीडियो में, ऐसे करके हम इसे टच करते हैं तो कुछ नहीं होएगा, इस तरह से सर ने वीडियो बनाया। तो मैंने उन्हें देखा तो फिर मैंने सर को कॉल करा और सर से पूछा, फिर सर ने मुझे बताया कि वो सीढ़ी है इस तरह से। तो फिर जो है मैंने सर से काउंसलिंग ली, तो जब मैंने काउंसलिंग ली तो मुझे लगा कि हाँ थोड़ा थोड़ा ठीक हो जाएंगे, लेकिन जैसे सर ने काउंसलिंग सर ने आगे देते गए, आगे बढ़ाते गए, तो फिर सर ने हमारे माइंड में से जो विचार थे उनको चेंज कर दिया। फिर हमें लगने लगा कि हाँ भाई गलत तो हम ही थे, हमारे विचार गलत थे और जो है सब ठीक था। फिर सर से काउंसलिंग लेने में ऐसा लगा कि हाँ सब कुछ ठीक हो गया है, अब कहीं कोई गंदगी नहीं है, हमारा माइंड भी फ्रेश रहता है, हम भी फ्रेश रहते हैं और सब अच्छा लगता है। बिल्कुल, अब आपको सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है हाँ सर, जी, तो आप हमेशा अच्छे अच्छे लगते की फीलिंग में जीती रहें, आप हमेशा खुश रहें। आपने इतनी अद्भुत और अनमोल बातें सभी व्यूवर के लिए कहीं, इसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू। समस्या मानो तो मौज है वरना। तो हर रोज हाँ, बहुत बढ़िया लगा, आप अब यूं ही हंसती रहें क्योंकि अब आपने हंसना सीख है। लिया है, पहले हाँ आप रोती थी। हाँ हंसना सीख लिया है, और आपने जो कुछ समझाया था उससे भी जो है जो विचार सब दिमाग से निकल गए, विचारों में चेंजिंग आ गया है। हम जिस निगाह से विचारों को देखते थे, भैया ये गंदा है वो गंदा है, नहीं अब हम उन्हें अच्छा मान लेते हैं, अब हमें कुछ भी तंग नहीं, विचार ऐसे तंग नहीं करते हैं, हमारा दिमाग भी अच्छा रहता है और हम भी बहुत मस्त रहते हैं। वेरी गुड वेरी गुड, हमेशा आप मस्त रहें ओके जी। ओके।